एलिमिनेट होती हुई देखने मिली थी, जो अभी तक अपने आपको सेमीफाइनल्स में लेके नहीं जा पाई आफ्टर गेटिंग दैट इनविटेशन इनवाइट इन दैट बीजेआईएस, तो वो आफ्टर बीजेआईएस का मैं देख रहा हूँ इफेक्ट कुछ ज्यादा ही पड़ चुका है। लाइक वो या तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव हो चुके हैं, किल्स बहुत ज्यादा, लाइक फिनिशेस बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, परफॉर्मेंस उनका बहुत ज्यादा बेटर हो चुका है। तो मुझे एक चीज लगता है कि अगर आप एक टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे हो या टूर्नामेंट की ग्रैंड फाइनल्स या फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो टूर्नामेंट ये है या आपका जो ये हार्ड वर्क है वो खत्म हो जाता है, बल्कि वो मैं कहूंगा कि आपके लिए एक नई शुरुआत होती है, आप बहुत कुछ सीखते हो एंड आने वाले टूर्नामेंट्स में आप उस गलतियों को ना करो, उसकी जो कोशिश आप करते रहो, वही फिलहाल के लिए हम लोग ओरांगुटन करती हुई देखने मिल रही है। बिल्कुल, देखिए हम इसलिए तो बोलते हैं कि आप हार नहीं रहे, यहाँ पर सीख के जा रहे हैं, आप यहाँ पर हारते कभी नहीं। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें स्लॉट नंबर 13 की तरफ, 8-bit सुनामी यहाँ पर डूम ओपी बियर्ड बाबा और साथ साथ जूस, देखिए पिछले गेम में सबसे पहले टीम बनी थी यहाँ पर गेम से एलिमिनेट होने वाली, बट इस बार वो चाहेंगे कि वापसी यहाँ पर कर सके। लेकिन इसी बीच ओरांगुटन की भी कुछ बिल्डअप हमें देखने को मिल पा रही है, बट ये हो कहा रही है फाइट, एक बार चलते हैं इसी तरफ। और शायद मेरे ख्याल से ओरांगुटन यहाँ पर एक और तीसरी सफलता उनको यहाँ पर मिल चुकी है, ये आखिरी खिलाड़ी एफपीएस के बचे जरूर है। बिलीव क्लोज करते रहोगे उतना ही आपके लिए मुश्किली भी बढ़ती है, जरूर से हो सकती है। बट बी के लिए प्लेयर 4 की तरफ से नीट डैमेज उनको मिलेगा, बट नॉकआउट नहीं हो पाएंगे। वेल ट्राई जरूर से चल रही है। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए सोल के प्लेयर्स भी आगे बढ़ना चाहते, प्लेयर 1 का यहाँ पे जो नॉक है वो कहीं ना कहीं मुश्किल होते, ब्रायन के विलियम्स की बात की जाए दूसरे एंड पे गेम्स हो तो अपने ही नेट से नॉक हो जाएगा, क्रैटोस आएंगे दल जीत। अभी के लिए देखा जाए डार्क लॉर्ड को टेक डाउन करेंगे, ब्लाइंड के प्लेयर्स भी यहाँ पर रेवेनेंट के साथ फाइट ले रहे, बट अभी के लिए पिकार्डो का एरिया भरा एकदम कह सकते हैं, एक अलग ही बोलबाला चल रहा है सोल वर्सेस टीम 8-bit के बीच में। कौन सी टीम यहाँ पे ऊपर आएगी वही आगे के रोटेशंस आगे के प्लेसेस पे जाएंगे जरूर से, बट अभी के लिए जूसी का एंगल बहुत ज्यादा क्रूशियल साबित हो सकता है। देखिए अभी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं यहाँ पर, और भी गाइस यहाँ पर फाइट जरूर हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी टीम पहलेगी, यहाँ पर धावा जूसी आ रखे है उस फ्लैंकिंग एंगल से, और मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा जरूरत भी है उनकी। लेकिन क्या यहाँ पर सोल क्या एलिमिनेट कर पाएगी टीम 8-bit को, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो फाइट है वो किसी के भी पक्ष में जा सकता है। एक भी खिलाड़ी अगर नॉकआउट होता है टीम सोल का मुश्किल बढ़ जाएगी, बट जिस वे में वो खेल रहे हैं शायद जूसी के लिए भी अब काफी डिले हो चुके हैं, आए जरूर थे लेकिन टीम सोल के द्वारा वो भी चले जाएंगे गेम से बाहर। मतलब पिकार्डो का जो अब अगर हम बात करें, पिकार्डो की जो सताश है अभी भी यहाँ पर टीम सोल बनी हुई है। इससे पहले भी जो हमने फाइट्स देखी आज के जितने मैचेस मैंने कास्ट करे हैं सभी फाइट लगभग टीम सोल ने अपने नाम करी। कैजुअलिटी खाई है नो डाउट, कैजुअलिटी एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन बिल्कुल एक बोल सकते हैं फेवरेबल कंडीशन में एक ही कैजुअलिटी खाई यहाँ पर। प्लेयर वन के लिए जरूर बुरा लगा क्योंकि वो इस सिचुएशन में थे, उनके जो साथी खिलाड़ी नहीं बचाने जा सकते थे, बट एफर्ट काफी अच्छा है इस टीम का। लेकिन सामने 8-bit ने भी देखा जाए तो बिल्कुल दिल के लिए धड़कनें बढ़ा दी थी उनके लिए भी, ऑलमोस्ट लग तो रहा था कि वो भी टीम गाइस थोड़ा सा यहाँ पर जरूर मेरे ख्याल से डिस्कॉर्ड का मौके का पूरा कोशिश जो है करने वाले, लेट्स सी अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो बन के आता है। गाइस बीच बीच में गाइस डिस्कॉर्ड थोड़ा सा ग्लिच हो जाता तो वॉइस कभी भी चलाते, लेकिन अब सब कुछ हो चुका है परफेक्ट। लेकिन अभी के लिए हम बात करें फाइट की, तो फाइट यहाँ पर फिलहाल के लिए सोल प्ले टू की कोशिश कर रहे थे मास्टर की होल्ड करे, बट जी नहीं, मजबूर कर दिया है पीछे धकेलने में। क्या मास्टर वहीं से बैठ के क्या उसी कंपाउंड से वो फाइट लेंगे, क्योंकि देखिए उस समय पे कुछ देर पहले अगर 2 मिनट पहले के उनके पीओवी की बात करें तीन खिलाड़ी जीवित थे, बट टीम सोल का वहां पर सडनली अटैक आते हैं और देखते देखते बस आखिरी खिलाड़ी मास्टर और बगैर बचे हुए हैं। एंड टैक्टिकल को एक तरीके से हम बोल सकते हैं थर्ड पार्टी का फायदा मिलता हो नजर आया, अदरवाइज नहीं आती है थर्ड पार्टी तो शायद खुद को भी यहाँ पर दिक्कत में पा सकते थे। बट अब चलिए एक यहाँ पर अभी मुसीबत टली जरूर है, लेकिन अभी टीम सोल अभी भी यहाँ पर जीवित है तो कभी भी यहाँ पर उनका हो सकता है फाइट। बट टीम सोल को पता है क्या कि टैक्टिकल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी उनके सामने चैलेंज दे सकते, अगर उनको पता है देन दे हैव टू बी रेडी क्योंकि एडीएस लेके आगे बढ़े नॉक निकाल सकते हैं। वैल्यू ब्रीदिंग इन अ पिक्सेल एचपी मोलोटॉप का इस्तेमाल किया जाएगा हेड एक के साथ एक दो प्लेयर्स इस मैच से बाहर, टीम सोल 10 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। इस मैच की शुरुआती तौर पे मैंने गेम्स आपको एक बात बताई थी कि टीम सोल जो है मीरामार के मैचेस बड़े स्ट्रांगली खेलते हैं, ये वो निकल के आ भी रहे, बट मास्टर का पोजीशन शायद से अभी के लिए मैं कहूंगा